नमस्कार और आदाब दोस्तों, हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी पल्स पीढ़ी साथियों का एक बार फिर से हमारे स्टे न्यूज़ चैनल पर हार्दिक स्वागत है दोस्तों। जैसे कि हम आपसे कहते रहते हैं कि हमें कमेंटों के माध्यम से कुछ अपनी जानकारियां भेजिए, तो दोस्तों ऐसी जानकारी हमारे पास इस वक्त आई हुई है जो अक्सर हमें अपनी एक नई जानकारी देते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि पल्स निवेशकों की जो रिफंड प्रक्रिया के प्रोसीजर में इतना विलंब हो रहा है, ये किन कारणों वंश हो रहा है दोस्तों, यही जानने की कोशिश हमारी रहती है। तो दोस्तों आज हम आपके लिए जो लेकर आए हैं वो ठाकुर एचपी कांग्रे का एक ऐसा कमेंट है जिसके माध्यम से हमें बहुत बड़ी जानकारी हासिल हुई है। चलिए दोस्तों आपके सामने भी इस जानकारी को शेयर करते हैं, सब्सक्राइब और लाइक बाद में करेंगे। सबसे पहले ठाकुर एचपी कांगड़ा जी का ये कमेंट पढ़ेंगे। इन्होंने कहा है कि देश के राज्य वित्त मंत्री श्री जसवंत सिन्हा जी ने दिसंबर 2015 को संसद की राज्यसभा से लिखित उत्तर दिया कि भारत सरकार ने पल्स कंपनी के पंजीकृत कार्यालय जयपुर को पल्स कंपनी पर कंपनी एक्ट की गैर अनुपालित धारा के अंतर्गत कार्रवाई का आदेश दिया, लेकिन आरओसी जयपुर कार्यालय आज तक इस आदेश का पालन न कर देश के करोड़ों गरीब निवेशकों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सेबी के खेल में गुमराह कर रहा है। जबकि आरओसी जयपुर कार्यालय भारत सरकार के आदेश पर पल्स कंपनी पर कंपनी एक्ट की गैर अनुपालित धारा के अंतर्गत कार्रवाई करेगा, तब प्रमाणित होगा कि पल्स कंपनी भारत सरकार के कंपनी मंत्रालय भारत सरकार के कंपनी एक्ट की गैर अनुपालित धारा का भ्रष्टाचार और कंपनी एक्ट के व्यापार कोड 70 के अंतर्गत देश की पब्लिक की सबसे बड़ी लूट है और कंपनी एक्ट के अंतर्गत 70 कोड से ही पब्लिक के पैसे का हल होगा। यहाँ दोस्तों ये अक्सर एक ऐसी जानकारी हमें देते हैं जिससे हमें पता चलता है कि वास्तव में पूरा मैटर पल्स का क्या है और किस तरीके से सेवी विभाग प्रोसीजर को चला रहा है और किस तरीके से कंपनी के ऊपर अभी तक, जी हाँ दोस्तों अभी तक कंपनी के ऊपर ये पता नहीं चल पाया कि कौन सी भ्रष्टाचार इसने किए और क्या धाराएं इसके ऊपर लगी। और तो दोस्तों ये बड़ी न्यूज़ इस वक्त जो आपके लिए लेकर आए हैं हम, ये इसी पर्पज़ से लेकर आए हैं कि आप सब निवेशकों का पैसा इसमें फंसा हुआ है। दोस्तों मेरा भी बहुत पैसा इसमें फंसा हुआ है, लेकिन हम इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अपंग ऑर्डर के एक ऐसे निवेशक बन गए हैं जिनको पैसा अभी तक नहीं मिला। जी हाँ दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के 3 साल 6 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन निवेशकों का पैसा अभी तक निवेशकों तक नहीं पहुंच सका। और दोस्तों ये पैसा 8 साल से अटका हुआ है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर 3.5 साल बाद आया था और 3.5 साल से ज़्यादा अब हो गए, तो टोटल मार्केट निवेशकों का पैसा 8 साल से अटका हुआ है जो अभी तक मिलने की कगार पर नहीं है और जिसको लुटता हुआ हम इस वक्त देख रहे हैं। तो दोस्तों ये बड़ी न्यूज़ आपको स्टे न्यूज़ चैनल से दी जा रही है खबर। अगर आपको पसंद आए तो चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब करें, साथ के साथ हमारी बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारे द्वारा बनाई गई हर एक लेटेस्ट वीडियो पहुँचे सबसे पहले आपके पास। तो चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय।